छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बीजापुर में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गलमाई हुई है। वहीं जशपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि हमारा लक्ष्य नक्सल प्रभावित लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का है। देखिए क्या है, जब से हम लोग की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है। और ये सौभाग्य है कि हम लोगों का डबल इंजन की सरकार है, और इस नाते हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ पा रहे हैं, और लगातार नए नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं, और नए सुरक्षा कैंप के माध्यम से हम लोग सरकार की जो भी सुविधा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये नक्सली नहीं चाहते हैं कि मतलब लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके बसाहट तक सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, उनके घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सब विरोध का काम करते हैं। लेकिन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और अंत एक दिन नक्सलवाद का खात्मा करके रहेंगे।